फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज है 10 जुलाई और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती ही बोल सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि दी से कौन सी गलती हो गई। तो गाइज, आज है 10 जुलाई और आज है दीप का बर्थडे। मैं इतना भूल गई कि ये, मैं सोच रही थी कि ये जून चल रहा है, जून जुलाई में भूल गई और मैंने दीप को विश नहीं किया। वैसे तो सबसे पहले मैं विश कर देती थी। अभी कल मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड से बात भी हो रही थी, मैं उनसे बोल रही थी कि जुलाई में दीप का बर्थडे है, फिर अगस्त में मेरा, नवंबर में बाबू का, तो उनसे बात भी हो रही थी। और मतलब 9 को उनसे बात हो रही थी, 10 को दीप का बर्थडे था। मैंने उनसे बोला कि जुलाई में बर्थडे है 10 को, और मैं भूल गई कि ये जून चल रहा है कि जुलाई। मैंने उनको विश नहीं किया। सुबह जब भाई का कॉल आया, मैं सो रही थी, तो जब मैंने फ़ोन उसका पिक किया तो मैंने कहा इतनी सुबह फ़ोन, तो कह रहा है आज जीजू का बर्थडे है, उनको विश करना है। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं तो भूल गई। और दीप भी उठे, गए नहाए वहाए, पूजा किए, इसके बाद रेडी होने लगे ऑफिस के लिए। तब मुझे जब पता चला, मेरे भाई ने बताया, तब मुझे याद आया ओ माय गॉड, आज तो दीप का बर्थडे है। फिर मैं उठी, गई किचन में चाय बनाई और मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ मत जाओ। तो बोल रहे नहीं, कोई स्पेशल डे नहीं है। गुस्सा हो गए क्योंकि उनके जितने भी फ्रेंड्स थे सभी ने उनको विश कर दिया था और मैंने ही नहीं किया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। सारी को 7 साल हो गए, 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं दीप का बर्थडे भूल गई। कई लोग बैड कमेंट्स भी करेंगे, बट क्या करूँ गाइज, 1 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो उसी प्रॉब्लम की वजह से, उसी परेशानी की वजह से मैं सच में, मुझे नहीं याद था कि ये जुलाई चल रही है, मैं भूल गई उनका बर्थडे। और दीप भी गुस्सा होकर चले गए। वैसे तो मैंने केक ऑर्डर कर दिया है, मैंने दीप से बोला कि चले आओ, सारी वारी बोल दिया, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मतलब प्रिया भूल जाएगी। मैं उनको विश कर देती थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पछताने के सिवा कुछ है भी नहीं। अभी वो चले गए हैं ऑफिस, मैं नहा के आई हूँ। और हम लोगों में बर्थडे के दिन जाया जाता है दर्शन करने, सबसे पहले दर्शन किया जाता है। मैं उनको इतना मना कर रही थी कि आज ऑफिस मत जाओ, दर्शन करने चला जाता है, तो दर्शन करने चलो चलते हैं। तो बोले नहीं, मैं ऑफिस जाऊँगा, अभी देखते हैं। बाबू भी कब से बोल रहा है कि पापा से बात करनी है, तो मैं अभी फ़ोन लगा के दे दूँगी। मेरे कहने पर नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर बाबू कहेंगे तो मान जाएंगे। और मैंने केक ऑर्डर कर दिया है, देखते हैं केक कट होता है कि नहीं होता है। वो तो इतना ज़्यादा गुस्सा थे, गुस्सा होना भी स्वाभाविक है यार, मतलब अगर गांव, देश और दोस्त यार सब उनको विश कर दें और हम ही ना करें तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, गुस्सा तो आएगी। तो मैं गई फटाक से नहा के आई हूँ, मैं चल रही हूँ, रेडी हो जाऊँगी, मंदिर जाना है, मंदिर तो जाना है, तो तय है। मेरी बात नहीं मानेंगे तो बाबू की बात मानेंगे। प्रत्यूष की बात तो मना नहीं कर सकते हैं, प्रत्यूष की बात टाल नहीं सकते हैं, तो प्रत्यूष बोलेगा तो आएंगे। आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि दी कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट और मेकअप प्रोडक्ट बताओ जिससे यूज़ करने से हमारा मेकअप ग्लोई हो, उनके फेस पे साइन रहे, मतलब उनका मेकअप ड्राई या ड्राई पैचेस उनके मेकअप पे ना आए, एक अच्छा सा ग्लो आए। तो चलो मैं अभी आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता देती हूँ। अभी इन प्रोडक्ट्स पे 50% ऑफ चल रहा है जो मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ प्रोडक्ट्स पे स्क्रीन शॉट लगा दूंगी, नहीं तो कई लोग बोलते हैं, आप बोलते हो 50% ऑफ है, तो ऑफ तो है नहीं, तो मैं आपको दिखा दूंगी विद प्रूफ। गाइज, ये हैं वो प्रोडक्ट जिनको यूज़ करने से हमारा मेकअप काफ़ी ज़्यादा ग्लोई लगता है, या फिर हम मेकअप ना करें तो भी हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्लोइंग लगती है। तो सबसे फेवरेट जो मेरा है वो है थैंक यू फॉर्मर का ट्रू वाटर मिस्ट। आप देख सकते हो ये ख़त्म हो गया है, इतना सा बचा है, इसे मुझे फिर से मंगाना है। और इसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने इसे कितना ज़्यादा यूज़ किया है, मेरे सभी वीडियो में ये यूज़ होता था। अब थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा क्या, एकदम आप देख लीजिए, देखिए इतना सा बचा है, तो मुझे फिर से मंगाना है। तो सबसे पहले है थैंक यू फॉर्मर का ट्रू वाटर मिस्ट, इसे आप मेकअप करने से पहले लगा सकते हो, बिना मेकअप के लगा सकते हो, इसे आप टोनर की तरह यूज कर सकते हो। इसके बाद जो मुझे पसंद आता है वो है कलर बार का इल्यूमिनेटिंग लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसे लगाने के बाद आपकी स्किन पर काफ़ी अच्छा सा हेल्दी ग्लो आ जाता है, आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग लगती है। तो ये है कलर बार का, इन सब पे गाइस डिस्काउंट नहीं चल रहा है। इसके बाद ये है मिलानी का डू इट मेकअप सेटिंग स्प्रे, इसे आप मेकअप लगाने से पहले यूज कर सकते हो, मेकअप फिक्सर की तरह यूज कर सकते हो और प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हो, आपके फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो दे देता है। फाउंडेशन में काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है लैक्मे एब्सोल्यूट ऑर्गन ऑयल सीरम फाउंडेशन, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप पे बेस्ट वर्क करेगा, आपके फेस पे काफ़ी अच्छा सा सटल सा ग्लो दे देता है और ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, ड्राई स्किन वालों के पास मस्ट हैव है। और प्राइस भी आप देख सकते हो 750 है, लेकिन अभी इस पर ऑफर चल रहा है तो चेक कर लीजिएगा।
अगर आप कोई अफोर्डेबल मिस्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी गुड वाइब्स का रोज़ मिस्ट, इल्यूमिनेटिंग फेस मिस्ट। आप देख सकते हो इसमें है ही नहीं, पूरा ख़त्म हो गया है। काफ़ी गुड क्वालिटी का है गाइस, आपके फेस को काफ़ी अच्छी तरह से ग्लोई बना देता है, मतलब हेल्दी ग्लो दे देता है आपके फेस पे। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। प्राइमर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, ये है स्विस ब्यूटी का ग्लो बूस्टर प्राइमर। आपके फेस पे काफ़ी सटल सा ग्लो, हेल्दी ग्लो दे देता है, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स इसमें नहीं है। अगर आप वेट एंड वाइल्ड का जो डूबी प्राइमर आता है उससे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। इसको यूज़ करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्विस ब्यूटी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, तो उसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे चैनल प्रियादीप पे। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कलर बार ग्लिटर मी ऑन का ये लिपस्टिक। मैं सेड आपको नहीं रिकमेंड करूंगी, मैं बस लिपस्टिक रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इस लिपस्टिक में आपको एक साइड में देखिए, जब आप ऐसे करोगे ना तो एक साइड में आपको लिपस्टिक, एक साइड में आपको हाइलाइटर मिल जाता है। ये देखिए, तो ये है हाइलाइटर। इस हाइलाइटर को आप कई वे में यूज़ कर सकते हो और इस पे चल रहा है 18% ऑफ। तो इसे आप आई शेडो की तरह, हाइलाइटर की तरह, कई तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। ये देखिए, काफ़ी सटल सा ग्लो मिलता है इस हाइलाइटर का। लिपस्टिक शेड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शेड पसंद है, बस मैं हाइलाइटर की वजह से रिकमेंड कर रही हूँ। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इससे, और पैकेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसको जब आप ऐसे करोगे तो ये देखिए, इधर से ओपन हो जाएगी। ये देखिए, इधर रहा लिपस्टिक शेड। हाइलाइटर मैं आपको रिकमेंड करूँ, इस कैनडा का SD प्रो हाइलाइटर, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। इसे आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, हाइलाइटर की तरह तो यूज कर ही सकते हो, बट इसे आप एज अ ब्लशर, एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हो। एक मिनट, हाँ ये देखिए, एक मिनट, ग्लो आप देख रहे हो, ओ माई गॉड, ग्लो की क्या कहने। तो हाईली रिकमेंडेड है गाइज, एक बार आप इसे ज़रूर। आपको स्किन केयर में एक चीज़ रिकमेंड करने वाली हूँ, ये है प्लंज का वाटर मेलन ग्लो मास्क। इसे आपको लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, इसके बाद अपने फेस को अच्छे से धुल लेना है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसकी पैकेजिंग। मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है, वीक में मैं इसे एक बार ज़रूर यूज़ करती हूँ। आप इसका देख सकते हो, ग्लो देखने में ही पता चल रहा है, और वाटर मेलन की खुशबू आ रही है इसमें से। बोला था कि आज 50% ऑफ चल रहा है, तो इस पर ऑफ चल रहा है वेट एंड वाइल्ड की जो ये छोटी वाली आई शेडो नहीं है इस पर, लेकिन सभी कलर पे नहीं, कुछ कुछ कलर पे ऑफ चल रहा है। तो इसमें जो गोल्डन शेड है मैं वो आपको रिकमेंड करूँगी, बाकी और कोई शेड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। गोल्डन शेड मैंने यूज़ करके ख़त्म कर दिया है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। और मैं ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए, आज पर्पल पे वेट एंड वाइल्ड के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे 50% ऑफ चल रहा है। फर्स्ट तो मैंने आई शेडो पे बताया ही, सेकंड चल रहा है कुसिन फाउंडेशन पे, और ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी सटल सा ग्लो देता है आपके फेस पे। काफ़ी टाइम से आप लोग इसका लिंक मांग रहे थे लेकिन मैं दे नहीं पा रही थी, मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि इस पर कब ऑफर आए और मैं आप लोगों को बताऊँ। आप लोग इसका रिव्यू भी देखना चाह रहे थे, तो हाईली रिकमेंडेड है गाइज, एक बार ज़रूर ट्राई करें, मस्ट हैव है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने कई बार गुणगान मुझसे सुना ही होगा, और आप लोग अक्सर मेरा शेड पूछते हो कि मैं कौन सा शेड यूज़ करती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ बर्फ वीज। तो ये है वो फाउंडेशन, इस पर आज 50% ऑफ चल रहा है, तो देर मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिए, ये ऑफर सिर्फ आज तक ही है। तो गाइज, ये थे वो प्रोडक्ट्स जो ग्लोई मेकअप में यूज़ होते हैं और जिन पे आज ऑफ़ चल रहा है। जिन पे ऑफ़ चल रहा था मैंने बता ही दिया, सब पे ऑफ़ नहीं चल रहा है, जिन पे ऑफ़ चल रहा था मैंने बता दिया। और ये सभी प्रोडक्ट मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही दिखाया, काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी दिखाओ, तो चलो मैं दिखा देती हूँ। दीपिका जो मैंने केक ऑर्डर किया था वो आ गया है, चलो दिखाती हूँ गाइज, ये है वो केक जो कि मैंने ऑर्डर किया हुआ है, और दीप को पता नहीं है कि मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया। अब गलती किए थे तो सुधारना तो पड़ेगा ही ना, तो देखते हैं कि इस केक के साथ क्या होता है। तो चलो अभी बताएंगे नहीं, मंदिर से आने के बाद ही हम जो है केक कट करेंगे। अभी तो मैं इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देने वाली हूँ। हम लोग निकल गए, बारिश भी स्टार्ट हो गई। हवा
रोंदा होवेगा तो गाइज हम लोग आ गए हैं नैमिष। सबसे पहले यहाँ पर दर्शन किया जाता है चक्र तीर्थ का। चक्र तीर्थ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, जितना नॉलेज है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कहा जाता है कि जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं उनको जो है चाहिए थी पवित्र जमीन, जो सबसे ज़्यादा पवित्र हो, तो उन्होंने एक चक्र फेंका था और वो चक्र यहीं पर आके गिरा था। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर दर्शन किया जाता है। इस जगह को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और यह सीतापुर से कितना दूर है, सीतापुर से है 40 किलोमीटर दूरी पे। मैं मेरे हबी से पूछ रही थी क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पैर वैर धुल लिया क्योंकि यहाँ पर हाथ पैर धुलना, जो सरोवर है यहाँ पर हाथ पैर धुला जाता है। तो इसके बाद जब आप अपना हाथ पैर धुलो तो परिक्रमा की जाती है। तो इसके बाद हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं पूरा। कई लोग 3 बार करते हैं, कई लोग 1 बार करते हैं, कई लोग 5 बार करते हैं, तो ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पर कई सारे मंदिर बन रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो है जो पैसे वैसे देने थे वो दे दिए हैं। और इसके बाद हाँ दान, तो गुप्त दान होता है। तो मैं यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं चली जाऊँगी, इसके बाद जो मंदिर पे दर्शन किया जाता है वहाँ, और वहाँ जाने के बाद तो जो मेरे साथ होता है वो तो आप लोगों ने देखा ही है। मधुमक्खी काट लेती है, पता नहीं हो सकता है कि मतलब कोई गलती मुझसे हो गई होगी जिसकी वजह से मुझे मधुमक्खियों ने काट लिया। कुछ ना कुछ तो किया होगा मानती हूँ, बिना किसी वजह ऐसे ही नहीं हो जाता। तो हम लोग यहाँ से दर्शन करके आ गए हैं, अपनी कार में बैठ गए, अब हम लोग चल रहे हैं वहीं मंदिर पे। तो अब चल के वहाँ पर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, फूल माला लेके हम लोग जा रहे हैं मंदिर। बाबू की मस्ती आप देख ही सकते हो, बाबू भी नहाने के लिए जिद कर रहा था वहाँ चक्र तीर्थ में। हम दर्शन करके आ गए, हमको मधुमक्खी ने काट लिया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दर्शन करने जा रहे थे जो यहाँ का मेन मंदिर है वहाँ जा रहे थे, वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। कमर में यार पता नहीं कैसे कमर में काट ली, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। अभी बहुत सारे मंदिर हैं, देखती हूँ मुझे मधुमक्खी काट लेती है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो चलो अभी मैं आप लोगों से कुछ टाइम बाद मिलती हूँ, अभी तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस हम मंदिर से घर आ गए हैं और मुझे मधुमक्खी ने काट लिया, आप लोगों को पता ही है, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्वेलिंग आ गई है। और ये देखो पता नहीं मुझे क्या हो गया है, देख रहे हो इस साइड में भी, मतलब हाफ फेस में भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी मुझे स्वेलिंग सी हो गई है, काफ़ी दर्द हो रहा है यहाँ भी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभी मैं चल रही हूं लेटने, आगे का देखती हूं क्या कैसे होता है। सच में सोचा भी नहीं था कि ये बर्थडे ऐसा जाएगा, देखते हैं आगे, अगर आराम रहेगा तो कुछ प्लान करेंगे, अगर आराम नहीं रहेगा तो फिर क्या कर सकते हैं। चलो फिर मैं आप लोगों से कुछ देर बाद मिलती हूँ अगर आराम हो जाएगा तो। अभी मैं थोड़ा सा आराम हुआ है तो हम चल रहे हैं होटल, चलो देखते हैं क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम आए हैं दीप के लिए कुछ गिफ्ट लेने, उनको ज्वेलरी वगैरह जैसे गोल्ड या फिर ऐसा कुछ नहीं पसंद है, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको कपड़े ही गिफ्ट कर देती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या दे रही हूँ। तो हम लोग आए हैं किलर के शोरूम में, सीतापुर में ही है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दीप क्या जितने भी जेंट्स होते हैं सबको ब्रांड ही पसंद होता है, तो दीप को भी ब्रांड ही कपड़े ब्रांडेड ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दीप के लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट किए हैं, 3 शर्ट 1 पैंट मैंने दीप के लिए लिया है, और यह फर्स्ट ये है, सेकंड जो आप फिरोजी देख रहे हो रखा हुआ जो पहने हुए आपने दीप को देखा, सेकंड वो था, थर्ड ये ग्रीन कलर का है चेक वाला, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो 3 शर्ट दीप के लिए मैंने लिया है और ये सभी किलर ब्रांड, उस सॉरी एक ये ब्लैक वाला है, तो 4 शर्ट मैंने दीप के लिए लिया और 1 पैंट जो कि सभी के साथ चल जाए क्रीम कलर में। तो ये सारे वो कपड़े हैं जो मैंने दीप के लिए लिया, और इसके बाद हम लोग चले जाते हैं विशाल मेगा मार्ट, यहाँ सीतापुर में नया ओपन हुआ है, बाबू की मस्ती आप देख सकते हो विशाल मेगा मार्ट में। मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग जाइए, जो गर्ल्स हैं कॉलेज गोइंग गर्ल उनके लिए 99 रुपीज़ में इतने अच्छे अच्छे टॉप्स मिल जाएंगे कि मैं क्या बताऊँ, 1 get 1 का ऑफर चल रहा है। तो एक बार विशाल मेगा मार्ट ज़रूर जाइएगा। फिर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं डिनर करने, राजस्थानी
ये वाला दीप ने मेरे लिए सिलेक्ट किया, काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे वाइट कलर से थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन अभी बाबू छोटा है तो कुछ ना कुछ लगा देता है, तो धुलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। यहाँ पर वन पीस भी काफ़ी अच्छे अच्छे लगे थे, और बैग्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, सैंडल, शूज, बैग, और ये जो आप देख रहे हो दीप ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है, ये मैंने लिया हुआ है। मैं आप लोगों को किसी और ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। तो राजस्थानी आके सबसे पहले मैंने मेरे लिए ऑर्डर किया चीजी बॉल्स, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कोल्ड ड्रिंक के साथ, और दीप ने ऑर्डर किया डिलक्स थाल, तो हम लोग इसी में बांट के खा लेंगे। तो गाइज़ हम लोग यहाँ से डिनर करके घर चले जाएंगे, मोबाइल भी ऑफ होने वाली है, तो अब हम लोग आपसे मिलेंगे घर पे। अगर मोबाइल चार्ज रही, अगर ऑफ हो गई तो कोई बात ही नहीं है, फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगी। तो चलो मैं डिनर कर लेती हूँ, ठीक है। कल रात में काफ़ी लेट आए थे, रात में ही हम लोगों ने केक कट कर लिया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी तो हम वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हमारी दीप की सबकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। और ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं कल का ब्लॉग अभी एंड करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ मेरे कार में, कहीं बाहर जा रही हूँ, ये भी ब्लॉग आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आप लोग बताइए आप लोगों को मेरा ब्लॉग चैनल पसंद आ रहा है कि नहीं, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। आप लोगों को मेरे ब्लॉग में क्या अच्छा लगता है वो भी बताइएगा। और हाँ गाइस, जो ऑफ़र मैंने बताया हुआ है सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है, तो देर मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो चेकआउट कर लीजिएगा। ड्राइविंग कर रहे हैं मतलब दो तीन दिन से सीख रहे हैं, अब दीप के साथ में जाने लगे, नहीं तो हम लोगों को ड्राइवर रखना पड़ता था, अब ड्राइवर बन गए हैं। नहीं यार, मुझे भी सीखना है, मैं भी जल्दी सीख लूँगी, इनको ड्राइवर नहीं बनाऊँगी। तो आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, बाय बाय, बाय कर लो बाबू।